नमस्कार, मैं मिलिंद कोतपलीवार। ये मेरा छोटा भाई सुहास कोतपलीवार। हम हमारा पेट्रोल पंप वीएम कोतपलीवार पेट्रोल पंप जनता कॉलेज चौक चंद्रपुर, इनकी तरफ से पार्थेश्वर समाचार को एक पहले वर्षगांठ के उपलक्ष में हार्दिक शुभकामना देते हैं। पार्थेश्वर समाचार ये राजेश भाई नायडू ने एक साल पहले जो लॉन्च किया था, एक निर्भीड़ और निष्पक्ष पत्रकारिता का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसमें किसी भी एक राजकीय दल का इन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत बताया। आगे भी पार्थेश्वर समाचार काफ़ी प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, ये हम शुभकामना करते हैं। और हमारी तरफ से राजेश भाई नायडू और पार्थेश्वर समाचार को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। हाल ही में हुए चुनावों में अमरावती, यवतमाल और गढ़चिरौली में सोमवार को 13 नगर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। इसमें नो कांग्रेस 6 और शिवसेना ने 5 पदों पर कब्जा किया। अमरावती के तिवसा में कांग्रेस के योगेश वानखेड़े और भातकुली में युवा स्वाभिमान की योगिता कोलटे के नगराध्यक्ष चुनी गई। यवतमाल जिले की 6 नगर पंचायतों में से शिवसेना के 4, कांग्रेस के 2 नगराध्यक्ष पद मिले। बाभुल गांव नगर पंचायत में शिवसेना उम्मीदवार संगीता मालखुरे, मारे गांव में डॉक्टर ममीश मस्की, झरी जामड़ी में ज्योति बिजगुनवार और महागांव में करुणा शिरबिडे ने जीत हासिल की है। रालीगांव नगर पंचायत में कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र श्रीराम और कलंब में अफरोज बेगम सिद्दीकी को जीत मिली है। गढ़चिरौली जिले की धानोरा, चामोर्शी और एटापल्ली नगर पंचायत में कांग्रेस ने परचम लहराया। कुरखेड़ा के नगराध्यक्ष पद पर शिवसेना ने कांग्रेस से हाथ मिलाते हुए कब्जा किया। यहां शिवसेना की अनीता बोरकर ने जीत दर्ज की। धानोरा में कांग्रेस की पूर्णिमा सयाम, चामोर्शी नगर पंचायत नगराध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जयश्री वायलालवार, एटापल्ली नगर पंचायत में कांग्रेस की दिप्यंती पेंदाम नगराध्यक्ष बनी। अहेरी नगर पंचायत में आदिवासी विद्यार्थी संघ की रोजा करपेत नगराध्यक्ष चुनी गई। वर्धा के पुलगांव तहसील के समीपस्थ कवठा रेलवे ग्राम पंचायत में हुए चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी। तो सर समाचार जो हमारे बचपन के मित्र समझो या छोटे भाई समझो, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले हैंडबॉल में अपनी एक छवि बनाई है, उन्होंने जो ये न्यूज़ चैनल शुरू किया उसका पहला साल सफलतापूर्वक पूरा होने की खुशी में मैं अपने दिल से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और काफ़ी तरक्की होगी ये मेरा पूरा विश्वास।